स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया हूं मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स अबाउट हेल्पिंग वर्क जो शायद आपको नहीं पता थे, या कुछ लोगों को पता भी थे लेकिन इतना डिटेल नहीं पता था जितना आज मैं बताने वाला हूं। आज मैं बताने वाला हूं आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्क, या फिर आप कह सकते हो एब्रिविएशन ऑफ हेल्पिंग वर्क्स। आपको हेल्पिंग वर्क को सब्जेक्ट के साथ में शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज करना है, साथ ही से नेगेटिव बनाते वक्त आपको किस प्रकार से चेंज करना है, ये बहुत ही बेसिक चीजें होती है जो स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं होती है। आज के सेशन में सारी चीज डिटेल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, क्या बोर्ड पर आप देख सकते हैं, यह है एब्रिविएशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, या फिर इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म अगर आपकी भाषा में हम कह दो। यहां पर आपको तीन मैंने कॉलम बना दिए अलग अलग। सबसे पहले दिया इट्स, दूसरा दिया आई एम, हीज, यू आर, वी आर, व्हाट्स, दैट्स, वेयर्स भी ऐसे ही होता है एक, व्हाट्स, वेयर्स, सॉरी, दैट्स, दे आर, आई'ल, ही'ल, दे विल, दे'ल, विल, it's it'll, they all, that's, that all, I'd, he'd, that, I've, your, there, isn't, aren't, wasn't, doesn't, don't, didn't, want and can't। तो आज ओवरऑल ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इट्स की, तो इसको तो पहले आप लोग समझे, कुछ स्टूडेंट्स तो पता है इसको, वही समझ लेते हैं भैया इन दो इट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये इट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स इट इज, और ये जो इट्स होता है ये आपका होता है पजेसिव, ठीक है, ये होता है आपका पजेसिव, जिसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, राइट। तो आप अगर ये इट्स लिख दें कि आपने कहा इट्स अ पैन, और अगर आपने कहा इट्स पैन, तो इन दोनों में से ये गलत है ये सही है। इट्स पैन का मतलब हो जाएगा उसका पैन, और इट्स पैन मतलब यह पैन है, तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। तो ये इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स इट इज। इसी तरीके से आई और एम लगाए, ये है आपका आई एम, इसको शॉर्ट में हम आई एम इस तरीके से, आई एम इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही के साथ में अगर इस तरीके से लिखा है तो इसके दो मतलब होते हैं स्टूडेंट्स, एक ही इज भी होता है और ही हैज भी होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि वो ही इस का मीनिंग दे रहा है कि ही हैज का, तो अगर आपको इस तरीके से लिखा है कि ही और ये लिख दिया और यहां लिख दिया अ पैन, राइट, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि ही इज अ पैन तो होता ही नहीं है, क्योंकि ही एक पर्सन है, इसको हम पैन थोड़ी बोल सकते हैं, मतलब इसका मतलब यहां निकल रहा है ही हैज अ पैन, राइट। और इसी तरीके से अगर आपको इसके सेंस में इसको यूज किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से बोलेंगे हम, ही इज अ डॉक्टर, इसका मतलब होगा कि वह एक डॉक्टर है। तो ये दोनों मीनिंग ये देता है, बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। हीज अगर कहीं पर आपको ऐसा लिखा दिखे तो इसका मतलब है ही इज और ही हैज। ये सारे के सारे यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज आपको मैं बताऊंगा। इसी तरीके से देखो स्टूडेंट्स, यू आर एंड वी आर, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, यू आर का मतलब हो जाता है कुछ इस तरीके से, यू आर, वी आर आप समझते ही हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन। व्हाट एंड वेयर, तो व्हाट्स मतलब What is? जब हम किसी से पूछे आपका नाम क्या है तो हम शॉर्ट में कहेंगे What's your name? What's your name? What's your name? Right? ऐसे ही आप कहाँ, मतलब वो पैन कहाँ है? Where's your pen? Where's your pen? Where's your pen? मतलब आपका पैन कहाँ है? ऐसे ही होता है that's का मतलब हो जाता है that is। काफी सरल है, बहुत छोटा सा वीडियो, ज्यादा लेंदी चीजें नहीं बता रहा हूं मैं, इन शॉर्ट सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। That's का मतलब हो जाता है that is, and they are का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स They are, कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है, वैसे एक साथ प्रोनाउंस जो करता है they are, you know, they are, so it's they are, got it? आप देख सकते हैं यहां पर, तो ये फर्स्ट वाले कॉलम में हम लोगों ने देखा इट्स, मैंने आपको डिफरेंस बताया इन दोनों इट्स के बीच में कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसमें इस तरीके का एक मार्क लगा होगा जो एपिस्ट्रॉप एस हम नाउन के साथ अप्लाई करते हैं उसी तरीके का, और फिर हम इसको एस को ऐड करेंगे, अगर वो नहीं लगाया तो पजेसिव बन जाता है, राइट, जो जिसका मतलब उसका, उसकी, उसके होता है। फिर मैंने आपको आई एम, ही इज, योर, वी आर, व्हाट्स, दैट्स, दे आर, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। अब मैं नेक्स्ट आपको सेकंड लेवल पर लेकर आ रहा हूं जिसमें आप डबल एल देख रहे होंगे। ये जो डबल एल है स्टूडेंट्स, इसको देखकर दिमाग में तुरंत समझ जाना कि ये बात हो रही है यहां पर विल की, मतलब कि आई एल का मतलब होगा आई विल।
जब आप किसी से कहोगे हाँ मैं काम करूंगा, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क का मतलब होगा आई विल डू दिस वर्क। इसको शॉर्ट में हम लोग आई प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो आई है इसमें डबल एल जो है एक्चुअल में विल को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। डब्ल्यू को हम लोग हटा देते हैं, आई को हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ लास्ट का जो डबल एल है उसको लेकर हम लोग चलते हैं। इसी तरीके से होता है हिल। अब हिल को कैसे यूज करते हैं आप लोग, हिल का मतलब हो गया ही विल। नाउ यू कैन सी गाइज He will, कितना अच्छा वर्ड है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। जैसे मैंने कहा वो जाएगा, he'll go, he'll go, he'll go, वो आएगा, he'll come, now you can see, he'll come मतलब वो आएगा, right? तो कुछ इस तरीके से ऐसे ही स्टूडेंट्स आपका ये हो जाएगा they will, right? तो बिल्कुल आप लोग सेंटेंस इसके बना ले। इसके बाद नेक्स्ट है जिसको आपको देखना है वो है आपका We will। वैसे तो आप लोग कहेंगे सर we और I के साथ तो will नहीं लगता, shall लगता है। तो आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स आज मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग shall जो है उसको यूज नहीं करते हैं, राइट? हम सभी के साथ में will यूज करते हैं। अगर आप shall लिखना चाहते हो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में भी डबल एल है। अगर आप इसको will को मतलब we shall भी बोलना चाहे यू कैन स्पीक, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए मैं आगे ले चलता हूं। इटिल, इटिल का मतलब होता है इट विल, इटिल, इटिल गो, It will be going like इस तरीके से जो भी हो तो it will pronounce होता है it will, तो it will मतलब it will, ऐसे that's will, तो that's ill, that's ill, that is, that's ill, तो that's ill मतलब हो जाता है students that will। इसके बाद में आपको दिया hide, heed, deed। अब ये hide, deed, deed क्या है भाई? यहां पर ये जो d लगा है, ये जो D लगा है, ये जो D लगा है, ये दो मीनिंग को कैरी कर रहा है। एक मीनिंग को कैरी कर रहा है हेड के और दूसरे मीनिंग को कैरी कर रहा है वुड के। अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचाने कि इस D का मतलब हेड है कि वुड है, राइट? तो उसके लिए आपको देखना होगा यहां पर जहां मैं आपको समझा रहा हूं, राइट? पूरा फोकस करना है आपको। जब आप कहेंगे कुछ इस तरीके से और जब आप कहेंगे कुछ इस तरीके से, राइट? तो यहां पर ये दो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, आप दोनों सिचुएशंस को ध्यान से देखें। यहां पर लिखा है आपका V3 और यहां पर लिखा है आपका V1। ओके, बी हैप्पी लिखा है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। आपको याद रखना है कि वुड के साथ वो आपकी कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। मतलब यहां पर आईड का मतलब निकल रहा है आई वुड। ओके, इसका मतलब हो रहा है आई वुड बी हैप्पी। ओके, और नीचे वाला जो है इसमें यहां पर आ रहा है V3, V3 आ रहा है, दैट इज वाई आपको दिमाग लगा लेना है कि बात किसकी हो रही है, हेड की। मतलब इसका मतलब निकल रहा है आई हैड गॉन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा कि आईड बी हैप्पी एंड आईड गॉन। जब आप आईड बी हैप्पी कहोगे तो इसका मतलब होगा आई वुड बी हैप्पी, और जब आप कहोगे आई गॉन इट मींस आई हैड गॉन। तो यहां पर डी का मतलब हेड निकल रहा है और यहां पर डी का मतलब वुड निकल रहा है। तो ये विशेष ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है भाई। तो ये कैसे वर्क करता है इस चीज को आप समझिएगा ध्यान से। ऐसे ही इसका मतलब होगा ही हैड एंड ही वुड, ऐसे ही इसका मतलब होगा दे हैड एंड दे वुड। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा रिवीजन देख लो, डबल एल लगा है मतलब जिसमें भी डबल एल लगा है बात समझ जाना, ये बात हो रही है फ्यूचर की। आई विल, ही विल, दे विल, वी विल, इट विल, दैट विल, यू नो, इस तरीके से हो गया। इसके बाद ये डी वाला जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको बताया कि दो मीनिंग को कैरी करता है। एक मीनिंग इसका जो होता है वो होता है हेड और दूसरा मीनिंग इसका जो होता है वुड। जब ये हेड का मीनिंग देता है तो इसके बाद में आपको वी थ्री लगा मिलेगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आप ये समझ जाएंगे इसके बाद होगा वुड और फिर ये इस तरीके से आपका आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब ये आपको समझाने की जरूरत है नहीं, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आई हैव मतलब कि आई हैव, तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स आई हैव। बिल्कुल आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहां पर। देखिए इसको आप लिखेंगे आई हैव, इसको आप लिखेंगे यू हैव, हैव जो इस तरीके से हो जाता है, दे हैव को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे दे हैव। अब इजंट ये नेगेटिव फॉर्म वाले हो जाते हैं, ये सारे के सारे आपके नेगेटिव है, जिसमें एक ही थोड़ा सा ज्यादा चेंज हो रहा है वो है वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स विल नॉट, मतलब आपका जो विल नॉट होता है स्टूडेंट्स वो वॉन्ट में चेंज हो जाता है। ये आई जो है ओ में बदल जाता है, ये विशेष ध्यान देना है आपको। बाकी तो सारे के सारे नेगेटिव काफी इजी है। इजंट, आरंट, वॉजंट, डजंट, डोंट, डिंट, कांट। ओके, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल आपने कहा इट इजंट माई कार,
या दिस इजंट माई कार, ये मेरी कार नहीं है. यू आरंट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो. तो इस तरीके से इज नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, इजंट. आर नॉट को क्या लिखते हैं हम लोग, आरंट. वॉज नॉट को क्या लिखते हैं हम लोग, वॉजंट. डजंट को क्या लिखते हैं हम लोग, डज नॉट को लिखते हैं डजंट. डू नॉट को लिखते हैं डोंट. डिड नॉट को लिखते हैं हम लोग डिडंट. और विल नॉट को वॉन्ट, और कैन नॉट को लिखते हैं हम लोग कांट. यू नो, so guys, you can see on the board I have explained you all the constructed forms of verb, and I hope ki aapko sari ki sari constructed forms of verb jo hai samajh mein aayi hongi bahut acche se, right? Koi zyada difficulties nahi thi, kisi prakar ki koi problem nahi thi. Umeed karta hu video acha laga, fatafat fatafat video ko share kar do. Agar ek student char group mein bhi share karta hai to yaar wo kafi sare students ke saath mein paas jayega video, wo zyada se zyada dekhenge aur is video ka fayda lenge. So ek request hai, jaate jaate bolna chahunga, is video ko zarur apne friend circle ke saath mein share kare, fatafat फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक कर दो. और अगर YouTube चैनल पर अभी नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा. वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद. थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच.